हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है। तो आज हम वीडियो में बात करते हैं कि क्या एक्वेरियम के अंदर एयर पंप की ज़रूरत है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस टाइम पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज कंप्लीट इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबका फिर से ऐसा चैनल जिसमें आप सबको फीचर्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, आज का टॉपिक है डू एक्वेरियम नीड्स एयर पंप, क्या एक्वेरियम को एयर पंप की ज़रूरत है और इसके बेनिफिट्स। एयर पंप को एक्वेरियम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिससे बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, देखने में भी बहुत कूल दिखता है। बहुत अलग अलग तरह से इसको एयर स्टोन की तरह या स्ट्रिप मिलती है, उसके ज़रिए से भी आप उसको वाल की तरह बनाकर बबल्स पानी के अंदर छोड़ सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और फिशर्स को भी बहुत हेल्पफुल है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप एयर पंप रख रहे हैं अपने एक्वेरियम के अंदर, तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पानी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिशेस के लिए ज़रूरी नहीं है, वो गैस को पानी से बाहर बबल्स के ज़रिए निकाल देता है। फिशेस के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ऑक्सीजन के हिसाब से देखा जाए तो। जितना भी आपका टैंक का पानी है उसके अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और बाकी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी इसकी मकदार बहुत कम होती है पानी के अंदर ऑक्सीजन की, जो फिशेस के लिए ज़रूरी है। और ये डिपेंड करता है आपके एक्वेरियम की पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपकी एक्वेरियम में ज़्यादा फिशेस हैं तो ज़रूर है कि रिकमेंड है कि आप एयर पंप ज़रूर रखें। अगर थोड़े फिशेस हैं, एक दो फिशेस हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो हर बात यही है इसकी कि एयर पंप जो है पानी के अंदर गैस को एक्सचेंज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, जो फिश के लिए बहुत हेल्पफुल है। और फिशेस इससे प्ले भी करते हैं, फिशेस को ये एंटरटेनमेंट करता है, जो फिशेस इसके साथ खेलते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं बबल्स के साथ। और एयर पंप की प्लैनेट एक्वेरियम में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन के वक्त प्लांट ही ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिसकी वजह से दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन रात में बहुत ज़रूरत पड़ती है एयर पंप की एक्वेरियम प्लांट्स में, क्योंकि रात में एक्वेरियम प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत कमी हो जाती है। फिशेस को भी ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप CO2 रिमूव करने के लिए अपने टैंक में एयर पंप ज़रूर रखें। तो टोटली ये बात है, कहा जा सकता है कि एयर पंप बहुत हेल्पफुल है फिशेस के लिए, नॉर्मल टैंक के लिए ख़ासकर ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फ़िल्टर है, फिर भी इसके साथ एक एयर पंप ज़रूर रखें। इससे ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, जो फिशेस के लिए भी हेल्पफुल है और पानी को भी क्लीन रखता है। तो बहुत से लोग इसे परेशान भी रहते हैं कि एयर पंप बहुत साउंड करता है, जिसकी वजह से बहुत लोग इसको रखना पसंद नहीं करते। लेकिन एक बात कहता हूँ कि अगर आप चाहें तो मार्केट में इस तरह के भी पंप मिलते हैं, अवेलेबल हैं जो साउंडलेस होते हैं, जिससे आप रखकर एंजॉय कर सकते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। मैंने इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, जो साउंडलेस स्मूथ एक्वेरियम पंप है, जिसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो इसी वीडियो के साथ चलते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।